So hi everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. I guess after a month I'm uploading a video aaj. So those of you who don't know me, my name is Pinky and welcome back to all of you as well. And I don't know मैं बहुत ज़्यादा एंड कर रही हूँ, बट इट्स ओके. सो जैसे कि मैंने कहा, आई गेस एक महीने बाद आई एम अपलोडिंग वीडियो यहाँ पे. यूजली आई अपलोड ब्लॉग्स ओनली, लेकिन बीच में मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया था. अभी फ़िलहाल में एक्चुअली लाइक दोज ऑफ यू हु नो मी, आई नो यू गाइज हैव द आइडिया कि वॉट इज़ गोइंग ऑन विद मी इन माई लाइफ राइट नाउ एंड अगेन एंड सीरियसली. ओके एक्चुअली आई मेड दिस वीडियो आज इसी टॉपिक को लेके, सो दैट आई वॉन्ट टू फिनिश दिस टॉपिक मतलब इसी यही ब्लॉग में, सो दैट फॉर फर्दर आई डोंट वॉन्ट एनी वो होता है ना कि एनी एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर, सॉरी क्वेश्चन तो नहीं बट आंसर्स, गिविंग आंसर्स टू योर क्वेश्चंस एंड ऑल. सो आई थॉट कि चलो आज एक ब्लॉग बना देती हूँ एंड इसमें आई वॉन्ट टू लाइक स्पिल इट आउट एवरीथिंग, जो भी आपका, जो भी यू गाइज हैव यू नो योर ओपिनियन, योर क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ यू गाइज मस्ट बी वॉन्डरिंग, नॉट वॉन्डरिंग बट यू वॉन्ट टू नो लाइक एग्जैक्टली हुआ क्या है एंड क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ. यू गाइज वॉन्ट टू नो, आई नो दैट. एंड बिकॉज यू बीन अ पार्ट ऑफ लाइक माई लाइफ सिंस सो मेनी ईयर्स एंड आई थिंक I owe this explanation to all of you guys. So chalo, let's move in direct to the topic. Right now I'm separated from Earther, आप लोगों को पता है. And so इस बारे में there was like lot of you know like controversy kind of thing going on. कि so the thing is अभी recent ये separation वाले topic को लेके बहुत मेरे को like बहुत ज़्यादा comments आ रहे हैं. मतलब ऑफ़ कोर्स आई वुड नॉट से कि आप लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, वैसा क्यों लिखा, जिसके मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ सबका अपना अपना ओपिनियन है. एंड अभी यूट्यूब में लाइक आप लोग पूछ रहे हो कि कमेंट क्यों ऑफ़ किया है. एक्चुअली वो कमेंट मैंने ऑफ़ नहीं किया है, इट्स डन बाय माय सिस्टर. क्योंकि डेफिनेटली लाइक जो भी मैं करती हूँ या मेरे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, ऑफकोर्स फैमिली ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड, वो तो आप लोगों को पता ही है. सो वहाँ पे बहुत सारे मतलब कमेंट्स वगैरह आ रहे थे. मतलब आई थिंक 90% वॉज अगेंस्ट कि लाइक मी अगेंस्ट मी. आई एम नॉट इवन फीलिंग बैड कि आप लोगों ने ऐसा क्यों लिखा. ऑफकोर्स आई नो वट एवर यू फेल्ट राइट, आपने वही लिखा है. इंस्टाग्राम में मेरे रील्स में देर आर लाइक सो मेनी कमेंट्स. लेट्स जस्ट डायरेक्टली मूव इन टू द मोस्ट आस्क क्वेश्चन. और आई गेस अगर वो आंसर का मैं जवाब दे दूँ ना, तो उसके बाद से लाइक ऑल ऑफ यू विल गेट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन एज वेल. सो नंबर वन थिंग कि यू गैज आर कन्फ्यूज कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ अबाउट दिस सेपरेशन थिंग. एक्चुअली मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बनाया हुआ है. यू गैज ऑल्सो नो दैट आई डू अपलोड ब्लॉग्स तमांग सिवलिंग्स चैनल में भी. तो वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ था कि सेपरेशन का क्या रीज़न था, बट शॉर्टकट में बता देती हूँ. सो दोज ऑफ यू हू हैव नो वॉच दैट, यू गैज कैन गो टू तमांग सिवलिंग यूट्यूब चैनल और वहाँ पे मैंने ये कम्प्लीट वीडियो बनाया हुआ है मतलब सेपरेशन के ऊपर. और सारे मैंने रीज़न भी दिया हुआ है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. सो जैसे कि मैंने वहाँ पे भी कहा, यहाँ पे भी अभी भी कहूँगी कि सिंस 5 to 6 months चीज़ें ठीक नहीं थी हमारे बीच में. मतलब ऑफकोर्स दिखने में लगता नहीं है आप लोगों को कि मतलब किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि सब चीज़ लाइक यू कांट इवन लाइक यू नो एक्सप्रेस ऐसे ब्लंटली लाइक यू नो फेस टू फेस. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि विच आर वेरी पर्सनल और वो आप फट से शेयर नहीं कर पाते हो. जैसे कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हूँ, तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि ये मेरा पर्सनल मैटर है या ऐसा कुछ, क्योंकि
जबकि मैंने आप लोगों को लाइक यू नो आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग एवरी इवेंट्स ऑफ माय लाइफ आई हैव शेयर्ड विद यू गाइस गुड और बैड. तो ये वाला रीज़न भी मतलब ये वाला जो चीज़ अभी हुई है तो इसका इसको भी मेरे को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग. धीरे धीरे यू नो लाइक आई मतलब धीरे धीरे वी स्टार्टेड टू गेट लाइक वो होता है ना कि एक जब एक जब कोई चीज़ होती है जो आपको पसंद नहीं है आप चाहते हो कि यू नो वो चीज़ ठीक हो, आप चाहते हो कि अगला मतलब अगला बंदा भी वो चीज़ ठीक करे, बट इवन बहुत सारा टाइम मतलब बहुत बार बोलने के बाद भी अगर वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है या वो ठीक नहीं करी जा रही है तो देन यू डी अटैचमेंट वाले जोन में चले जाते हो, जो आप ना कुछ एक्सपेक्ट करना ही छोड़ देते हो. लाइक you will not even expect anything or also you will stop hoping ki haan bhai cheeze theek ho jayegi ya cheeze ho rahi hai. To aisa kuch hua and then slowly mere andar bhi wo hope bhi khatam ho gayi and then ek wo detachment wala phase aa gaya bilkul bhi. To aise hote hote things came to this end, matlab things came till here ki aaj hum log we are not together, we are separated. And the second thing aap logo ko pata hoga, I know what you guys want to hear the most, which is ki recently jo maine you know story dala tha Instagram mein, because a lot of you guys follow me on Instagram as well, so wahan pe maine ek story dala tha me and Kabir. Aur ek baat aap logo mein clear kar deti hu, तो टाइम जब मैंने वीडियो डाला था कबीर के साथ, आई थिंक इफ़ यू गाइस हैव यू नो नोटिस, आई थिंक इट वाज फ्यू मंथ्स बैक देहरादून वाला ब्लॉग में, तब ऐसा कुछ नहीं था. मतलब तब वी वेर तब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, वी वेर जस्ट फ्रेंड्स. लेकिन तब भी देर वॉज लाइक लॉट ऑफ कमेंट्स अगेंस्ट मी कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, इसको चीट कर रही हूँ, उसको चीट कर रही हूँ, ये सब कुछ आया हुआ था. बट अभी मैं आपको वेरी वेरी क्लियरली बता देती हूँ, राइट नाउ वी आर डेटिंग. आप लोग फिर मुझे पता है आप लोग ये सोचोगे कि अच्छा अचानक से ऐसा क्या हो गया, अभी सेपरेट हुए, कभी कितना टाइम ही नहीं हो गया, एंड देन नाउ यू हैव मेड अनदर बॉयफ्रेंड एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना. तो मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आई डोंट नो यू वुड अंडरस्टैंड और नॉट, बट द थिंग इज आई डोंट नो लाइक लाइफ में लाइक यू नेवर नो व्हाट इज़ कमिंग टू योर लाइफ और कब कहाँ पे क्या हो जाए, यू नेवर नो. एंड इवन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एज वेल, बट इट जस्ट हैपेंड एंड आई वुड नॉट डिनाई दैट. और काफ़ी लोगों को ये बात शायद बुरा भी लगे कि जस्ट अभी आई केम आउट ऑफ वन आई एंडेड वन रिलेशन एंड आई केम टू अनदर रिलेशन ऐसा करके. एंड रही बात चीटिंग की, ये भी आप लोगों में क्लियर कर देती हूँ. आप लोग लगता होगा कि मैं चीटिंग कर रही हूँ, मैंने चीटिंग किया है, मैंने ऑथर को ब्लेम किया या मैं उसको गलत प्रूफ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने पहले वाले ब्लॉग में बोला था दैट आई वुड नेवर यू नो लाइक इवन यू नो लाइक थिंक कि उसके साथ कुछ बुरा हो या कुछ मैं उसके साथ कुछ बुरा करूँ, ऐसा कभी भी नहीं. आई कैन नेवर थिंक ऑफ हर्टिंग हिम एंड आई वुड रिस्पेक्ट जो भी टाइम हमने स्पेंड किया है, आई वुड रिस्पेक्ट दैट एंड आई वुड ऑलवेज विश हिम द बेस्ट. और रही बात चीटिंग की, तो यू नो व्हाट आई वांट टू से इज एक्चुअली आई डोंट वांट टू गो वेरी वेरी डीप डाउन कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया. यू गाइस आर सीइंग व्हाट इज शोइंग, व्हाट आई एम शोइंग टू यू और व्हाट यू आर सीइंग. तो चीटिंग की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि ऑथर नेवर चीटेड ऑन मी या उससे कोई गलती नहीं हुई है या गलती सिर्फ मेरी हुई है, ऐसा नहीं है. गलती ऑथर से भी हुई है. ये बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, बट जस्ट टू लेट यू गाइज नो, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि गलती सारी मेरी है और मेरी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उसकी तरफ से भी ही वॉज नॉट कम्प्लीटली लॉयल टू मी एज वेल. अभी फ़िलहाल में देर इज़ वन वीडियो गोइंग वायरल, आई डोंट नो मतलब वायरल तो नहीं बोल सकती, बट देर इज दिस वन क्लिप जहाँ पे इट्स विजिबल दैट मी एंड कबीर इज देर इन द वीडियो एंड देन आई एम किसिंग हिम एंड दैट वीडियो वो मतलब यू नो इट्स बीन लाइक पासिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और किसी ने एक यूट्यूब मतलब एक अकाउंट बना के उसको अपलोड किया हुआ है. सो आई गेस मतलब 14-15 थाउजेंड पीपल हैव सीन इट
माय फैमिली हैज आल्सो सीन इट. उसकी वजह से ऑफ कोर्स हुज फैमिली गोना बी हैप्पी अगर ऐसा कुछ वीडियो देख ले तो. तो ऐसा कुछ किसी ने अपलोड किया हुआ है तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दैट इज़ अ फेक वीडियो या वो जो जिस वीडियो में मतलब वो जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैं नहीं हूँ, उसमें मैं नहीं हूँ, दैट इज़ नॉट मी, आई वुड नॉट से दैट. वो वीडियो में जो था मतलब जो लोग हैं दैट इज़ मी एंड कबीर ओनली. एंड बिकॉज मेरे को लगा कि जब सब कुछ मैं अभी क्लियर कर रही हूँ तो मैं आपको सारी चीज़ एक वन बाई वन करके क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि वीडियो वाला भी मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को. सो जो वीडियो में है दैट इज़ मी ओनली. इट वॉज अ मोमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो मैं उस बात को डिनाई भी नहीं करूँगी कि उसमें किस हुआ है और नीदर आई विल रिग्रेट इट. आई नेवर थॉट मेरे लाइफ में इतना यू नो ऐसे चेंजेस भी आएंगे. बट जबकि अभी जबकि चेंजेस आ गया है तो इट्स अ गुड चेंज. एंड ऑल्सो लाइक right now my family like they are going through a very very bad time and yeah and the reason is me. But this time but I will hope that ki one day they'll understand me and my decision aur jo bhi maine decision liya hai I hope they'll understand and forgive me ek din. But I don't know wo din kab aayega but I'm just hoping that one day she'll forgive me because of course being as a mother whatever she's feeling right now wo genuine hai aur but jo maine kiya hai it's also from my heart. maine jo bhi decision maine liya hua hai wo maine bahut zyada soch ke samajh ke liya hua hai and jiske liye I'm not even feeling guilty about it. And रही बात बहुत सारे कमेंट थे कि मैंने अर्थर का पैसा यूज़ किया है या मैंने अर्थर को यूज़ किया है दिस एंड दैट ऐसा कुछ आ रखा है. तो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, हम लोग साथ में थे पहले तो जब साथ में होते हैं हम लोग तो सब कुछ हमने शेयर किया हुआ है. सो सब हम जितने भी हमने खर्च किए हमने सारे खर्चे हमने शेयरिंग किया हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि लाइक मैं आई वॉज़ विथ अर्थर उसके पैसों के लिए या ही वॉज़ विथ मी मेरे पैसों के लिए, ऐसा कुछ नहीं था. जब तक हम साथ में थे वी मतलब हमने सब कुछ हमने यू नो लाइक इकट्ठे मिल के किया हुआ है. सो यू गाइज कैन नॉट इवन यू सो I just want ki you guys at least respect that and don't do this you know like a blame game ki ha isne paisa liya hai usne paisa liya, aisa kuch nahi hamare mein, aisa kabhi bhi aisa kuch galat nahi hua paison ke mamle mein. and also guys matlab I hope maine aap logo ka sara question ka maine answer de diya, sab kuch to maine clear kar diya isi vlog mein. to now moving forward I really want that you know like you guys to also support me for my upcoming upcoming days kyunki this is life you can't be in one place all the time. aur rahi baat author ki to author also has a girlfriend abhi and he's also dating someone. main bas itna hi bolna chahti hu. I don't want to you know like talk way too much बिकॉज सबका अपना एक पर्सनल स्पेस और एक पर्सनल लाइफ होती है. तो राइट नाउ अर्थ इज़ ऑल्सो जैसे कि मैंने कहा ही इज़ ऑल्सो विद समवन एंड ही इज़ ऑल्सो हैप्पी एंड मूव्ड ऑन एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी इन माई ओन लाइफ. जो डिसीजन मैंने लिया हुआ है आई एम हैप्पी विद द डिसीजन व्हाट आई टुक and he's also happy. we both are not even bothering each other, neither he disturbs me or neither I disturb him. to agar hum dono ikatte we have moved on in our life then I would really respect you guys also you know like be a little positive and wish us all the best for our you know like for the days and time. so that's what I want to say. सही बात है गाइज. एंड
बाकी तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, बट इन केस यू गाइस वांट टू नो मोर थिंग्स यू गाइस कैन कमेंट नाउ एंड नेक्स्ट ब्लॉग जब मैं बनाऊंगी दैट टाइम आई विल बी आंसरिंग दैट एज वेल. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो. बाय.